हैं सुभाष लठवाल और साथ में जो मंजीत होलानिया, इन्होंने ये फोर्ड 7000 ये जो है पावर ट्रैक का यूरो 50 ट्रैक्टर है, 15 स्पीड वाला एबीसी गियर वाला। ये जो आपने पीछे ट्राली जोड़ रखी है, ट्राला है, इसमें कितने फुट बाड़ है? 700 फुट। कितना वजन होगा? 250-300 क्विंटल। हाँ, जो ये ट्रैक्टर कौन सा है? यू पावर ट्रैक 50 है भाई साहब। पावर ट्रैक 50। आपने ये ट्रैक्टर पसंद क्यों किया? इसकी माइलेज अच्छी है, पावर बढ़िया है बहुत, और मेन कारण यही था कि माइलेज अच्छी। और आज के टाइम माइलेज और पावर दोनों चीज देखी जा रही है, और खिंचाई के मामले में जैसे बढ़िया एक नंबर। जैसे आप तो वजन लेके चलते हो पुल वगैरह पे चढ़ाई, सारे काम हम फास्ट से। जैसे आपका जो नाम है YouTube पे वो स्टंट के मामले में भी है, तो आपने इस ट्रैक्टर से भी स्टंट लगाए? सुभाष लठवाल नाम भाई मेरा, तकरीबन भाई जाना है सब, इसके साथ भी लगाया है 175 में। बाकी कंपटीशन हम लगाया नहीं है कहीं, अभी कंपटीशन होंगे तो देखेंगे। तो ये है मंजीत उलानिया जी, ये भी जो है साथ में बैठे हैं। कैसा लगा जी ट्रैक्टर आप? बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर। क्या खास बात लगी ट्रैक्टर? भाई साहब भाई ने बता दी ये बात है, मैं तो इसकी काम बढ़े कर। इसमें क्या क्या चीज डालते हो आप? जैसे रेती है, रोडी जैसे ये रेती का काम करते हो आप? हम तो बिलो है भाई, कचाई फुल रखते हैं। और काम जैसे रोड पे ज्यादा चलता है आपका ट्रैक्टर, तो रोड के हिसाब से इसकी एवरेज क्या है और रोड की स्पीड क्या है? रोड की स्पीड भी बढ़िया है, एवरेज हमारे काम मानते नहीं कुछ, क्योंकि ओवरलोड चल रहा है ट्रैक्टर, ओवरलोड में कोई एवरेज नहीं होती। बाकी और ट्रैक्टर देखिए बढ़िया एवरेज है, और भी ट्रैक्टर चल रहे हैं 50 HP, 55 HP, 60 HP, उनमें देखे खिंचाई बढ़िया है, एवरेज ही बढ़िया ट्रैक्टर। जैसे सुभाष जी आप पहले जो स्वराज हमने देखे हैं यूट्यूब पे भी, तो स्वराज की बजाय आपने ये ट्रैक्टर पसंद, मेन जो कारण क्या रहा? स्वराज अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, कुछ इसमें ऐसी फैसिलिटी है जो उसमें नहीं है, ठीक है, कुछ उसमें ऐसी है मतलब जो इसमें नहीं है, पूरी तो कोई भी कंपनी नहीं कर पाती कुछ ना कुछ। बाकी ट्रैक्टर सारे कामों में बेस्ट है बिल्कुल। और किसान भाइयों कोई संदेश जी आपका? किसान भाई एक बार चला लेंगे फिर आप हमने संदेश बताओगे कि है कि नहीं, बढ़िया ट्रैक्टर है। धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई। ये है जो है 16 के टायर, इसमें जो है रेडियल डलवा रखे हैं सुभाष जी ने, और साथ सामने के जो टायर हैं 750-16 के, और इन्होंने इसका नाम बदलवा के फोर्ड 7000 जो है बनवा रखे है। सामने जो है वजन हैवी बम्पर, और यूरो नेक्स्ट जो है एबीसी गियर वाला जो ट्रैक्टर होता है उसको यूरो नेक्स्ट बोलते हैं। सामने की तरफ लाइटें, बहुत ही शानदार लुक जो है, और ये 52 HP का जो है ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च कर रखा है। HP 52 है, काम 60 वाला है भाई इसका। HP 52 है और काम 60 वाला, क्योंकि ये सुभाष लठवाल ये पीछे जो है ये दो व्हील तो इस तरफ है और दो व्हील उस तरफ जो है, और जो है इसमें तकरीबन 300-400 क्विंटल जो है माल इन्होंने इसके अंदर डाल रखा है, जो खान से ये जो है लेके आते हैं। अब जिसमें रेती भरी हुई है, काफ़ी हैवी जो है सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, और ऊपर भी, और ये हुक कितना हैवी हुक जो है सुभाष भाई ने जो है इसमें बनवा रखे है अपने काम के हिसाब से। धन्यवाद जी। और जो साफ सफाई का भी विशेष जो इस ट्रैक्टर में ध्यान रखा गया है, बहुत ही साफ सुथरा ट्रैक्टर जो है ये रखते हैं, कहीं भी जो है लीकेज नहीं दिखाई दे रही। हमारे दौर तो 3 महीने रिजल्ट आ लिया ट्रैक्टर का, फेल पास। तो ये पास हुआ कि फेल हुआ? पास है भाई, तो इसमें कोई कमी नहीं है। जैसे कंपनी का काम होता है जी बनाने का, पास फेल करने का है, चलाने वाले का और जमींदार का। जिस हिसाब से लोड 50 HP का ठहरे है वो पास है ट्रैक्टर, आज तक कोई आवाज नहीं है पिछले हिस्से में। दूसरे ट्रैक्टर खाली इसमें इतने वजन में चाले बस है तो आवाज करना है क्या पिछले हिस्से में, इसमें इब तक कोई आवाज नहीं,
कल की कोई जिम्मेवारी नहीं, कल ने क्या हो जाए, बाकी आज तो ये कोई कमी नहीं। बाकी जो है ये जो ट्रैक्टर है इसमें 5 साल की वारंटी के साथ ये ट्रैक्टर आता है, पीछे इसमें लिखा हुआ 5,000 घंटे और 5 साल, जो भी जल्दी हो जाएंगे वही मान्य होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है 5 साल की जो है देते हैं। धन्यवाद जी।